बादलों में बसा एक गांव, जहां पहाड़ आसमानों से बात करते हैं। समंदर से लगभग 6,500 फीट ऊपर उत्तरकाशी में बसा है साकरी। यहाँ से करीब 25 ट्रैक्स का रास्ता खुलता है, लेकिन पहले मैं आपको अपने देहरादून से साकरी पहुँचने की कहानी सुनाती हूँ। हेलो। सुबह 7 बजे मैं देहरादून से चल पड़ी हूँ। मसूरी से होकर साकरी पहुँचने में 8 घंटे लगेंगे। ये तो अच्छा है कि साथ में सुरेंद्र भैया मुझे लैंडमार्क्स दिखाते जा रहे हैं। जंगल और पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते का हर मोड़ तस्वीर में कैद करने लायक है। इस रास्ते में हमें 3 नदियाँ मिलेंगी, यमुना, टॉस और सुपिन, जैसे ये हमारे साथ लुका छिपी खेल रही हूँ। इस रास्ते में घने जंगल है, गरजते हुए वाटरफॉल्स भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्रतिदिन सिर्फ 1 सरकारी बस है, जो सुबह 7 बजे देहरादून ISBT से चलती है। पुरोला यहाँ के रास्ते में पड़ने वाला आखिरी बड़ा शहर है। उत्तराखंड के राजमा फेमस है, तो चलिए राजमा चावल का लंच किया जाए। आखिरी 20 किलोमीटर की सड़क थोड़ी खटारा है, लेकिन सुपिन का साथ इसे मजेदार बनाता है, और वो रही लेजेंडरी स्वर्गारोहिणी पीक्स। देहरादून से 8 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम पहुंच चुके हैं संकरी। साकरी की खासियत है कि ये एक फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर बसा है, तो यहाँ आते ही इंटरनेट से नाता टूट जाता है और प्रकृति से जुड़ जाता है। यहाँ सिर्फ BSNL के सिग्नल आते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ यहाँ से इतनी सुंदर दिखती है। ये हर की दून और केदारकांठा ट्रैक का बेस कैंप भी है। बर्फीली पहाड़ियों और हरे भरे चरागाहों से घिरे इस गांव में आपके करने को बहुत कुछ है, जैसे कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग और रात को मोटे मोटे तारे देखना। लेकिन ये सब करने के लिए पहले एक खास परमिशन चाहिए। हाँ, फॉरेस्ट परमिट तो चाहिए ही, लेकिन एक और उससे भी बड़ा परमिट, साकरी के अधिष्ठात्र देवता का। जी हाँ, ये है सोमेश्वर महादेव का निवास स्थान। ये सोमेश्वर महादेव हमारे 22 गांव के जो सब लोग हैं इनकी मान्यता को मानते हैं। इनके 22 गांव में टोटल मंदिर हैं और सोमेश्वर महादेव उनके जो दुख और दरिद्रता है उनके बारे में बात करके उनके उन निपटान भी करते हैं और उनके पुजारी झूल के बताते हैं और लाइफ के लिए भी बताते हैं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि महादेव अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। साकरी और इसके आसपास के 22 गांवों में सोमेश्वर महादेव की पूजा होती है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पालकी एक गांव से दूसरे गांव पूरे धूमधाम के साथ निकलती है, यानी कि साल भर सोमेश्वर महादेव के साथ यहाँ पर फेस्टिव माहौल रहता है। सोमेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेने का एक रीजन और भी है, खासतौर पर अगर आप यहाँ ट्रैक पर आए हुए हैं। और जो आसमान की बात करें, मौसम के लिए सोमेश्वर महादेव जाने जाते हैं। अक्सर इनके हाथ में कहा जाता है कि ये मौसम को सही भी कर देते हैं और बारिश भी हो सकती है और धूप भी इनके हाथ में है, धूप भी करवा सकते हैं। समय के अनुसार ये मौसम की रीति को भी बदलते हैं। इनकी बात तो सही साबित हुई। देखिए, खिली हुई धूप में बारिश और ओले पड़ गए, और वो देखिए इंद्रधनुष भी निकल आया है। अब एक दिन के लिए इतना सारा एक्शन तो काफी है। दिन ढल रहा है, मैं सोने जाती हूँ इस प्रेयर के साथ कि कल मौसम अच्छा हो, हम हर की दून की तरफ आगे बढ़ पाए, या उससे भी अच्छा कोई प्लान भी बना। जानने के लिए देखते रहिए साकरी डायरीज सोलफुल ट्रेल्स के साथ।